दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपने वीर रस के कवि सुने हैं कभी? नहीं तो मैं उनकी पहचान बता देता हूँ। वीर रस का कवि आता है, इतनी जोर से चीखता, लोग घबरा के ताली बजा जाता। अच्छा, किसी किसी की तो कविता में भी कोई बात नहीं होती। अभी पिछले दिनों एक वीर रस के कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। मैंने सोचा यार, पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज है, ये बना क्या सकता है इसमें? मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। ऐसी ताली बज गई जैसे आप सब बजा रहे हो। कविता में कोई बात नहीं। दोस्तों, कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, जगह जगह वीर रस के कवि सम्मेलन हो रहे थे, मेरे मोहल्ले में भी हुआ। अच्छा, मोहल्ले वालों को कोई ढंग का कवि तो वीर रस का मिला नहीं। पता नहीं कहाँ से 50-60 कवि पकड़ के लाए। जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा था, उससे बोले यार तू वीर रस का लग रहा, आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई। एक बार तालियां बजाकर मंद मैं सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ने की कोशिश कर। तो कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था, मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि, वो भी एक ही रस के, भगवान बचाए। जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही न चढ़ जाए। 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। पूरा मंच बन गया था बंकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था, मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा था। एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से, और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यह कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। वीर रस का अब जो कवि आया, भाई साहब होगा करीब 15 किलो का। अच्छा, इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था, आप लोग दृश्य का आनंद लेना, तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसके बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है, अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया है। ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। उसके बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। अच्छा, एक श्रोता वाकई में दूरबीन लेके आ गया और उससे देखते हुए बोला, बाप रे ये कवि खड़ा है या उसका एक्सरे। अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सूंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में है। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।